फारिस के कमरे में क्या कर रही थी तुम? क्या लगता है आपको मैं क्या कर रही थी? जो पूछा है वो बताओ। मैं बताऊं? अम्मी, अबू, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, जो रहते मारा मुझे। सॉरी हिम्मत, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, आइए प्लीज आइए। चलो दरअसल मुझे तो क्लिनिक जाना है, लेकिन हया को तुमसे कुछ बात करना थी। हाँ, वो जब तुम आए थे तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, याद है? वो करंट वाला इंसिडेंट हुआ था, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, ठीक से तुमसे बात नहीं कर पाई। फिर मुझे कह रही थी कि पता नहीं पारिस क्या सोच रहा होगा कि मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं की। खुद भी कुछ कहो ना आप। अच्छा देखो, ये देवर भाभी का मामला तुम लोग खुद सेटल कर लो, ठीक है? मुझे जाना है। बाय बाय। कैसी हो? मैं ठीक हूं। खुश हो? अगर तुम वाकई में खुश हो तो यही जवाब मेरी आंखों में देख कर दे दो। फारिस के कमरे में क्या कर रही थी तुम? क्या लगता है आपको मैं क्या कर रही थी? जो पूछा है वो बताओ। मैं बताऊं? क्या पूछना चाह रही थी? यही कि आपके बेटे की बीवी उसके देवर के कमरे में क्या कर रही थी? क्या लगता क्या कर रही थी मेरे कमरे में? बात को उलझाओ मत। उलझाया तो आपने, बात तो सीधी थी अम्मी। अगर आप जिद ना करती ना, जिस रिश्ते पर आप शक कर रही हैं, वो एक बहुत मुकद्दस रिश्ता होता। तो आप क्या समझे, ये रिश्ता मुकद्दस नहीं रहा?
अच्छों को पहले कौन सा समझती थी आप? सब समझेगी। बाय द वे, आपकी बहू, आपकी बहू को उसके तेवर के पास आपका बेटा खुद छोड़ कर गया था। यकीन आए तो पूछ लीजिए और आपको यकीन भी आ जाएगा। और तब तक तड़पती रहे, तड़पती रहे शक की आग में। बहुत मजा आता है ना लोगों को तड़पाने में। हाँ, आप खुद भी तड़प के देखें कैसा लगता है। हाँ, पिछले 25 साल से तड़पने की सेवा किया है क्या? अरे आ गए आप। मैं सोची थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। मैं आपसे कह रही हूं, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। लेकिन मैंने खा लिया। खा लिया मेरे बगैर अकेले? तुम्हारे बगैर खाया मगर अकेले नहीं खाया, अम्मी के साथ खा, क्योंकि तुम्हें तो कोई एहसास नहीं है उनका। अच्छा तो ये बात है, ठीक है अब मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, भूखी रहूंगी, कोई कितनी भी मिन्नत समाजत कर ले मेरी और कुछ भी हो जाए मुझे इस हालत में। जो करना है करो, कोई तुम्हारी मिन्नत समाजत नहीं करेगा। अब मिन्नत समाजत तो दूर की बात, मैं तुम्हें पूछूंगा भी नहीं। तुम्हारे डिनर्स हो जाए, शॉपिंग हो जाए तो तुम खुश हो, अगर जरा सा तुम्हें अम्मी का ख्याल रखना पड़ जाए तो तुम्हारा मुंह लटक जाता है या तुम बदतमीजी पर आ जाती हो। यही तबीयत की ममानी है तुम्हारी। खबरदार जो मेरी अम्मी के बारे में कुछ भी कहा तो। तुम क्या करोगी? तुम घर छोड़कर जाओगी? तो जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें और ना ही कोई तुम्हारे पीछे आएगा। क्यों, कोई और लॉटरी लग गई है क्या, या कोई और घर मिल गया जहां से मुंह फाड़ फाड़ के जहेज मांगोगे मिल भी जाएगा? ने कान भरे तो यहां मुझे सुनाने के लिए आ गए? ये नहीं पूछा कि वो खुद क्या कहती रहती है मुझे सारा सारा दिन? तो क्या हुआ, वो कह सकती है तुम्हें, बड़ी है वो तुम्हारी, तुम्हारा काम है उनकी इज्जत करना, उनका ख्याल रखना। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती ना तो तुम्हें मेरे साथ रहने की भी जरूरत नहीं। फिर वापस क्यों लेने आए? किसी ने मिन्नत की थी तुम्हारी? अगर माँ बाप की इज्जत और खिदमत ही करवानी थी तो शादी को की मुलाजमा लेकर आ जाते। जहेज तो नहीं लेकर। तुम जैसे मर्दों का यही मसला, तुम्हें बीवियां नहीं पार्ट टाइम बीवी की जरूरत होती है जो मैके जा जाके सामान भर भर के लाए और तुम्हारा घर भर दे और सारा दिन घर बैठ के पूरे सास ससुर की खिदमत करती रहे और शोहर के आने का इंतजार करे और जब शोहर आए तो मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करे। शोहर कहे दिन तो दिन और कहे रात तो रात, ऐसी घटिया सोच ना तुम्हारी। शाजिया तमीज से बात करो मुझसे। क्यों, आईना दिखाए तो बदतमीजी हो गई? इस तरह सीधी नहीं ना होती तो रख के तो मुंह पे एक छुप छुप के बेटे और बहू की बातें सुन रही थी। जरा इनसे तो पूछो ये तबीयत क्या तुम्हारी नानी ने इनकी? शाजिया अपनी हद में रहो। अच्छा क्या हद है मेरी, तुम ही बता दो, आज पता चल जाए कि मैं घटिया तुम दोनों माँ बेटा। शाजिया बकवास बंद करो।
हाँ बोलो ताई जान। क्या बात है, रो क्यों रही हो? ताई जान आप ठीक ही कहती थी, मुझे अम्मी की बातों में नहीं आना चाहिए था। पप्पू के कहने पे जुनेद ने मेरी इतनी बेइज्जती की है और मुझे थप्पड़ भी मारा, अब मैं देखती रह गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अब आप ही बताएं। मैं क्या बताऊं, अपनी अम्मी से पूछो, वही बेहतर मशवरा देंगी तुम्हें। नहीं ताईजान, अब जो आप कहेंगी मैं वही करूंगी। देखो शाजिया, मैंने जो कुछ भी किया ना तुम्हें अपनी बेटी समझ कर किया, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ये समझ रहे हैं कि मैं तुम्हारा घर खराब कर रही हूँ। अब क्या फायदा, नेकी भी करो और बुरे भी बनो। नहीं ताईजान, अब आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने कहा है, लेकिन अब जो आप कहेंगी मैं वही करूंगी। वही करोगी जो मैं कहूंगी? जी ताईजान। आया आई थी? नहीं। फोन पर भी बात नहीं हुई थी? नहीं। मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रहे, कहीं नाराज ना हो। किस बात पर? ओम ऐसे पारिस आ गया है ना, मसरूफ होगी। पारिस आ गया तो काफी परेशान होगी। मिसबा और शाजिया से बात हुई थी? कैसी बात? ऐसे ही कि अपने घर में ठीक तो है ना? अगर उन दोनों का फोन नहीं आया तो इसका मतलब है खुश है वो। देखो अगर उनका फोन ना आए तो तुम फोन करके पता कर लिया था। यूं अचानक आज उन दोनों बेटियों का ख्याल कैसे आ गया आपको? मेरी बेटियां है ना। अच्छा बाबा पूछ लूंगी, आप खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। अम्मी अबू उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मारा मुझे। उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि मैं मां बनने वाली हूँ। दोनों ने मारा मुझे, तो बहुत हाथ जोड़े, माँ पकड़ लिए पुप्पो के कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, लेकिन पुप्पो ने तो कह दिया कि हमें ये बच्चा ही नहीं चाहिए। वो कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू का मुसरत का रिश्ता खत्म करवाया था, अब जो रहत के तुम्हारी तलाक भी मैं ही कराऊंगी। अच्छा नहीं किया मुसर्रत, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। अब मैंने क्या किया? शाजिया मैं के आकर बैठ गई है। तो तुमने किया होगा ना सब कुछ? उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। वो कुछ भी कहे लेकिन उसके पीछे तुम ही हो। मैंने कहा था ना मैं अब कुछ नहीं करूंगी, जो करना था कर लिया। कहा था ना, बताया था ना कि वो अपने घर में नहीं बसेगी, सो आ गई वो। बात करना बेकार है। सुनो
अभी बात पूरी नहीं हुई है, पर देख तो लेने दो कि जब बेटी अपना घर छोड़कर बाप के घर आकर बैठ जाती है तो बाप का चेहरा कैसा होता है। ये भी तो देख लूं मैं कि शाजिया के बाप का और मेरे बाप का दुख एक जैसा है या नहीं। नहीं, अभी बहुत कम है, इसलिए कि शाजिया जुनेद को छोड़कर अपनी पसंद से आई है, चॉइस थी उसके पास, मारपीट के घर से निकाला नहीं गया था उसे, अपनी मर्जी से आई है वो। फोन किया उसने मुझसे, पूछा कि क्या करें, जिद कर रही थी मशवरा दूं तो मैंने मशवरा दे दिया कि क्या करना चाहिए। तुम क्या चाहते थे, वो मुंह उठा के चली आती ताकि बुशरा उसे नफरत करती। इस तरह बुशरा उसे नफरत नहीं करेगी, उसके ससुराल वालों से नफरत करेगी ना, समझते क्यों नहीं हो। चाहे कुछ हो जाए मुझे बुशरा पर बहुत तरस आता है, क्योंकि सारे खेल में उसका तो कोई कसूर नहीं है, मैं उसका साथ दूंगी। और तुम्हारा पलड़ा तो मैं बराबर करूंगी। अब जा सकते हो, जाओ। तुम जानना चाहते हो वापस क्यों आए हो? याद है एक दफा मैंने कहा था कि तुम भले खामोश रहो पर तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं। उस दिन हारे भाई और तुम्हें डिनर पे देखा, आंखों में एक अजीब सा खाली बन था, इसी खाली बन की वजह जानना है। जबान से तुम हजार बार कह दो कि तुम खुश हो, होठों से हजार बार तुम मुस्कुरा दो, लाखों दफा अपने आंसू छुपा दो, मगर सच तो यह है तुम्हारी आंखों में सच ये है कि तुम खुश नहीं हो। और तुम्हारे ना खुश होने की सबसे बड़ी वजह मैं हूं, गलती की है मैंने, बल्कि तुम्हारे लिए तो गलती लफ्ज इस्तेमाल करना भी गलत है, जुर्म किया मैंने तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, बोलो क्या करूं तुम्हारे लिए, बोलो। मैं जान भी दे सकता हूं, जान भी दे सकता हूं तुम्हारे लिए। मैं तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, बस दफा कह दो। मैं जाहला करना चाहता हूं अपनी गलतियों का, बस मुझे एक मौका दे दो, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। फारिस भाई, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? हाँ तुम चलो, मैं आता हूं। ये सबर शुक्र करके जुनेद के साथ अपनी बाकी मायदा जिंदगी गुजार लो, वो तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। तो फिर आप करोगे क्या? मैं उन जंजीरों को ही तोड़ दूंगी जो मेरे रास्ते की रुकावट है। मेरी मदद करोगी एक अच्छी सी लड़की ढूंढने में फारिस के लिए? लेकिन अम्मी
आपको फारिस के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लड़की पसंद कर चुका है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है। पता है? हाँ, जानता हूँ बात तुम्हारी शादी से मुताल्लिक है। किसी को पसंद करती हो तुम? आपको हाया भाभी ने तो नहीं बताया? वो क्यों बताएगी? मुझे लगा। मम्मी ने बताया मुझे तो किसी को पसंद करती जी। आपको गुस्सा नहीं आया मुझ पर? इसमें गुस्सा करने वाली बात कौन? किसी को पसंद करना, शादी की ख्वाहिश रखना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हारी भाई ने तो बहुत गुस्सा किया था, इनफैक्ट बदतमीजी की थी उसके साथ, मारा था उसे। क्यों? कोई वजह भी नहीं थी, बस बात करना चाह रहा था वो उनसे। छोड़ो, इग्नोर करो। फारिस क्या कह रहा था? जब आपने सुन ही लिया तो पूछ क्यों रही? ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? उसी तरह जैसा शिजाब से बात करती। हम दोनों के दरमियान आपने कोई फर्क तो नहीं रखा ना? आपको क्या लगता है अम्मी कि मैं झूठ बोल रही हूं? कहां जा रही हो? जब आपको मुझसे बात नहीं करनी, मेरी बात पे यकीन नहीं करना तो मैं जहन्नुम में जाऊं, आपको क्या? मुझे माफ कर दे ताईचान, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। चलो, गलती तो किसी से भी हो जाती है, लेकिन अब बेहतरी इसी में है कि जो तुमने फैसला किया है ना उसी पर कायम रहो। तुम्हारे माँ बाप ने तो कुछ नहीं करना तुम्हारे लिए, उनकी जगह कोई और होता ना तो जुनेद को गिरेबान से पकड़ कर पूछता कि उसकी ये सब करने की हिम्मत कैसी हुई। लेकिन तुम्हारे बाप को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें यहां से कुछ नहीं मिलना बेटा, अब बेहतरी इसी में है कि
अपनी जिंदगी चुपचाप जुनेद के साथ गुजार लो। मैं कुछ खा के मर जाऊंगी, लेकिन जुनेद के साथ एक पल नहीं रह सकती अब। लेकिन ये फैसला करना अब बहुत मुश्किल है, तो मां बनने वाली हो बेटा। मैं अपनी सारी जिंदगी तो बच्चे के सहारे गुजार लूंगी। कैसे? ये कोई आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। आपने भी तो गुजारी है ताईजान। तो मेरे पास तो 3 बच्चे थे, रुपया पैसा था, सब कुछ था, जिंदगी गुजार ली मैंने, तुम्हारे पास क्या है? क्या पता मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे बच्चे समेत कबूल कर ले। ये क्या गारंटी है कि जुनेद और सालिया तुम्हें वापस नहीं लेके जाएंगे और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वापस भेजने पर मजबूर नहीं करेंगे? मैं हरगिज़ वापस नहीं जाऊंगी। अजान, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। तुम चाहती क्या हो? मैं जुनेद से तलाक लेना चाहती, लेकिन जब तक तुम मां नहीं बन जाती तलाक नहीं हो सके। और अगर तुमने बेटा पैदा किया तब तो जुनेद तुम्हें हरगिज तलाक नहीं देंगे, और अगर बेटी पैदा हो गई तो दूसरी शादी का सोचना तो इतना आसान नहीं होगा। सौतेली माएं इतनी बुरी नहीं होती बेटा जितने सौतेले बाप होते हैं, और वो भी बेटियों के मामले में। तुम सोच भी नहीं सकते कितने बुरे होते हैं। नहीं नहीं ताईजान, इसीलिए तो कह रही हूं, ये रिश्ते तुम्हारे पांव की जंजीरें हैं, तुम कोई कदम नहीं उठा सकोगी। इसलिए बेहतर यही है कि सबर शुक्र करके जुनेद के साथ अपनी बाकी मायदा जिंदगी गुजार लो। वो तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। तो फिर आप करोगे क्या? मैं उन जंजीरों को ही तोड़ दूंगी जो मेरे रास्ते की रुकावट है। अभी भी सोच ले, सोच ले। याद है कौन हूं? कैसे बोल सकता हूं? याद होती तो याद करते हैं। जरूरी थोड़ी जिसे याद किया जाए से बताया जाए। सुनाया जब किसी को याद करते हैं ना, या तो उसे हिचकी आती है या फिर छींक आती है। ये मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे केस में थोड़ा अलग है। जब मैं किसी को याद करता हूँ तो आई मेक श्योर कि उसे थोड़ी सी भी अजियत ना हो। दूसरों से पूछ तो लिया करो, हो सकता है कुछ अजियतें उनके लिए सुकून का बायस हो। एनीवे,
कह रहे थे कि दिल कर रहा है फारिस को वहां से ले आओ। और तुम? तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो तुम अपने साथ ले गए। कुछ चीजें तुम्हारी भी यहाँ रह गई हैं। पूछोगे नहीं क्या? क्या? तुम्हारी यादें। प्लीज मांगना मत। बहुत नाजुक है, उन्हें बहुत संभाल कर रखी है। थोड़ा सा भी हिलाने से सब बिखर जाएंगे। नहीं मानूंगा। एक बात कहूं तुमसे? कोई शर्त नहीं कि मेरी मोहब्बत का जवाब भी तुम मोहब्बत से दो। बस इतना हक दे दो कि मैं तुम्हें चाह सकूं। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ गई थी तुम? बोल क्यों नहीं रही हो? मजबूरी का ताल्लुक नहीं निभा सकती, इसलिए मजबूरी की वजह खत्म करके आई। अल्लाह की नेमत को तुमने ठुकराया है ना, कभी खुश नहीं रह पाओगी तुम। मैं तो कहता हूँ शिजा के साथ साथ फारिस की शादी भी कर देते। हाँ क्यों नहीं, गुड आइडिया। ढूंढते हैं कोई अच्छी सी लड़की फारिस के लिए भी। हया जी, मेरी मदद करोगी एक अच्छी सी लड़की ढूंढने में फारिस के लिए? जी। लेकिन अम्मी, आपको फारिस के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लड़की पसंद कर चुका है। और मजे की बात यह है कि उसका नाम भी हया है। ये
एक मिनट, आप तो सब जानती हैं। मैं जानती हूँ। आयस, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी उस हया से शादी पर अम्मी रजामंद नहीं है, इसलिए तुम घर पे नहीं रह रहे। नहीं वो दरअसल बात ऐसी थी कि हाँ ऑफ कोर्स, इतने दिन गुजर गए इसीलिए शायद याद नहीं रहा। क्या ख्याल है? जैसे फारिस की मर्जी। तो बताओ फारिस कब रिश्ता लेकर जाए तुम्हारे लिए? भाई बस मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं। Excuse me. यहाँ साइन करना। थैंक यू। हया जी, एक बात तो बताओ, ये फारिस ने शादी के लिए क्यों मना कर दिया हया? कहीं तुमने तो कोई उम्मीद नहीं दिलाई उसे? नहीं ताईचा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अब तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे बात तक नहीं करूंगी। मैं हारिब की बीवी और अब सारी जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारूंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बल्कि यही तुम्हारे हक में बेहतर भी है। उशरा हट जाओ, मैं कह रहा हूँ हट जाओ। ये क्यों? लगता है तबरेज को किसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया। जाओ हया जाके देखो और शाजिया को नीचे ले आना अपने साथ। हाँ वो हया से पूछना है। हया नहीं, भाभी का। हया मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मेरी शादी हो चुकी, छोड़ दो हया उन्हें। तुम्हारी जिंदगी तो अमर हो जाएगी, फारिस के साथ बदनाम होगा। कोई नहीं है ना माँ, ना बाप, बहन, ना भाई और ना तुम। मैं नहीं है खुश उनके साथ, मैं शादी करूंगा मैं आया के साथ। लगेगी तुम मुझे, लेकिन तुम्हें किसी और की नहीं। तुम जानते हो मैं कितनी मजबूर थी। इतना बड़ा तो कोई सौतेली माँ भी नहीं करती। मैं ये क्या पता कभी जला कभी बुझा निशान नहीं वजूद का। कहा हूं मैं कि क्या पता कभी चला कभी बुझा।